देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल लाइव प्रसारण के माध्यम से इंदौर के गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया गया। इसका सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से नगरपालिका आगर के द्वारा बस स्टैंड पर दिखाया गया था, जिसमें नगरपालिका अधिकारी मुख्य लिपिक जसवंत सिंह नरवाल, राजस्व निरीक्षक गौरव शर्मा के साथ नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश गवली, भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश गवली, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष दिनेश परमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय मारू बल्ढिया, भाजपा नेता सुधीर जैन के साथ अनेकों पदाधिकारीगण उपस्थित थे। देवी अहल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता, इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया। और आप सिर्फ बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है उसके लिए आप सभी को विशेष प्रशंसा करूंगा, जिसने इस कार्य को इतने कम समय में, उन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी एक तरह से गोबरधनी है, शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ इंजन। मैं पहले तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छता अभियान, आपने देखा होगा कि जहाँ भी कचरा था आज जगह आप बस स्टैंड देख रहे हैं कितनी सफाई है, हर होटलों पे सफाई है, हर जगह आपको कचरा पेटी मिलेगी, क्योंकि उनका एक ही सपना है कि हमारा भारत स्वच्छ भारत रहे और निरंतर इसकी इस पर प्रगति होती रहे। दूसरी बात ये है कि आज जो सीएनजी प्लांट का जो लोकार्पण किया है एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि कचरे से ऊर्जा भी मिलेगी और जैविक खाद भी मिलेगा और यहाँ की गंदगी भी साफ होगी। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हर मध्य प्रदेश में हर जगह ऐसे प्लांट लगाए जाएं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा, इंदौर में जो प्लांट डला है इंदौर नगर निगम को बहुत बधाई देना चाहूँगा, आगर नगर पालिका से निवेदन करना चाहूँगा ऐसा कार्य करें जिससे अपने आप ही ऐसा कोई मशीनरी गिरे या प्लांट गिरे, जिसके कारण यहाँ का स्वच्छता भी हो और ऊर्जा भी साफ मिले। धन्यवाद। जय हिंद। जय